आजकल किसी को स्टार्टिंग में एकदम से कुछ बिलीव नहीं होता है, बट जब आप उस चीज़ को जानते हैं तो इवेंचुअली हो जाता है कि उनका द वे ऑफ थिंकिंग वेरी जेनरसिटी, कि वो बहुत दयालु है, और ये नहीं कि दिखावा हो चाहे कुछ भी हो, अपार्ट ऑफ ऑल दोज थिंग, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक नॉर्मल इंसान से अलग कर। मैं अपनी क्लास में देखती हूँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सनातन धर्म के टूवर्ड्स। पहले लोग जय श्री राम नहीं बोलते थे, अब देखो किसी को भी बोलो खुल के बोलेंगे, बिल्कुल प्राउड होता है उन्हें, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर। शादी वादी इतना दिखावा नहीं करना चाहिए, उसको जो करना है अगर उसको आस्था है वहाँ पे वैसे ही साइलेंटली, आस्था पे कोई दिखावा करने से कुछ नहीं मिलेगा, करना है जो खुद से करना, मिलेगा ही नहीं उसको ना आपको वो पाकिस्तान से। हाँ पता है, बट उनका कुछ कुछ हिस्ट्री होगा, क्या क्या होगा, जो बता रही है जो हो रहा है वो सब एकदम से ना इनको टाइम लगता है समझने में, बाद में कुछ और निकल के आता है, तो इस समय पे छोड़ देना चाहिए। उनको बागेश्वर धाम आना चाहिए, उनकी मर्जी है, उनकी खुद की आस्था है, जहाँ जाना है उन्हें जहीं भी जाए, हम ऐसा कोई है नहीं कि आप हिंदू बनो या फिर ये करो, के पास जाना है, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे भी जाए, ऐसे बहुत सारे आस्था की चीज़ें, हमारी मंदिर है, बहुत सारे चीज़ें हैं बिलीव करते हैं, वहाँ जाना चाहिए, बागेश्वर धाम वो फेमस है गुरुजी, इसके लिए वहीं पे जाना है, तो कोई ऐसी की बात हो। क्या नाम है? इशिका। कहाँ से हैं? दिल्ली से ही, वसंत विहार। तो आपको अभी तक आपने बाबा के बारे में क्या सुना है? सुना तो बहुत कुछ था, मेरी मम्मा हमेशा से ही भक्त थी, बट फिर जब मैंने पहले नहीं मानती थी, पर जब मैं देखने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि सब रियल है, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, सब रियल है। और धाम पे गई थी, मैं जब धाम पे गई थी, हाँ। अच्छा, जैसे आपकी मम्मा पहले बताती थी कि इन बाबा को देखो, तो आपके मन में क्या आता? मैं देख लेती थी, कभी सुन लेती थी जैसे, बट जब मैं उनसे एक बार धाम पे गई फिर मेरा पूरा विश्वास उन पे आ गया। स्टार्टिंग में आपको बिलीव क्यों नहीं था, क्या आपके प्रश्न क्या? आजकल किसी को स्टार्टिंग में एकदम से कुछ बिलीव नहीं होता है, बट जब आप उस चीज़ को जानते हैं तो इवेंचुअली हो जाता है। तो फिर इसके बाद फिर आपने क्या सर्च करा था कि आपको बिलीव हो? मैं गई, मैंने खुद देखा कि गुरुदेव कितनी मेहनत करते हैं, वो रात रात भर सोते नहीं हैं, भक्तों से मिलते हैं, और मैंने देखा कि वो कितने जेन्युइन हैं, उसके बाद से उन पर पूरा बिलीव हो गया। और फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आ गया? मेरा बदलाव आया कि मेरे एंगर इशूज़ कम हो गए, मैं भक्ति में काफ़ी विलीन हो गई, तो ये बदलाव। जैसे आप इनको टीवी पे पहले देखते थे, अब आपने लाइव देखा, अपनी आंखों से साक्षात देखा, तो क्या सिमिलरिटीज? अभी नहीं देखा, मतलब देखा तो मैंने पहले भी बहुत बार है, धाम पे भी जाके देखा था, बट एक अलग ही ऑरा है उनका, पॉजिटिविटी। जैसे मैम दिव्य दरबार है, दिव्य दरबार में ये जो पर्चा वगैरह बनाते हैं, तो आप साइंस की स्टूडेंट? हाँ साइंस। क्या करते हैं आप? अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ। तो मतलब ये ऐसा संभव है, ऐसे मतलब साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो? साइंस की दृष्टि से संभव तो नहीं है, लेकिन जब आप भागवत पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें कितने सारे तथ्य होते हैं, और फिर आप रियलिटी से कनेक्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल है। तो जैसे इनकी क्या बात आपको हर्ट कर, मतलब दिल में बिल्कुल हिट करती है कि ये बिल्कुल राइट गुरु हैं, राइट स्पिरिचुअल लीडर हैं? हिट तो काफ़ी चीज़ें करती हैं, पर जैसे वो सबके लिए सोचते हैं, कि चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए सोचते हैं, वो काफ़ी उनके अट्रैक्टिव है थिंकिंग उनका, द वे ऑफ थिंकिंग वेरी जेनरसिटी, कि वो बहुत दयालु है, और ये नहीं कि दिखावा हो चाहे कुछ भी हो, अपार्ट ऑफ ऑल दोज थिंग, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक नॉर्मल इंसान से अलग करते हैं, क्योंकि वो वैसे भी थोड़ा लोअर उससे आए हैं, लेकिन हर इंसान गरीब तो होता है, पावर सबके पास होता है, पैसा भी होता है, बट ऑनेस्टी जो वो सिखाते हैं, वो अपने लाइफ में इतना संयमित लाइफ उनकी है, जो जीवन उनका बहुत ज़्यादा संयमित है, हर गलत काम को हर इंसान को अच्छा लगता है करना। इनसे जो मैम यूथ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, उसका क्या कॉम्पोनेंट आपको? यूथ से रिलेटेबिलिटी, एक तो जब आपको वो कोई कथा सुनाते हैं तो आपको वो लगता है कि हाँ आपके साथ भी ये चीज़ रिलेट कर पाते हो, और फिर तो उनका ऑरा ही है जो बालाजी की कृपा है कि यूथ इतना अट्रैक्ट होता है, बहुत पॉजिटिव है। जैसे मैम ये चीज़ें हैं जो ये चमत्कार दिखाते हैं, तो इनके जो क्रिटिसाइज करते हैं वो ये कहते हैं कि इसी तरीके की चीज़ें तो सुहानी शाह करती है, तो जैसा ये करते हैं वैसे सुहानी शाह करती है, तो इसमें चमत्कार क्या है और वो माइंड डिफरेंट? बहुत डिफरेंट है, सुहानी शाह और जो करती हैं वो माइंड रीडिंग करती हैं, ये सिर्फ माइंड रीड, अगर इनको माइंड रीड करना होता तो ये दरबार में से कैसे बुलाते हो अपना नाम लेके, वो तो माइंड रीडिंग नहीं है ना, ये स्पिरिचुअलिटी है, इनको जो सिद्धि मिली है सनातन धर्म से, सारा इनका रिलेशन है।
एक चीज़ और आप लोगों के बारे में कही जाती है कि आप लोग मैजिक पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, लॉजिक पे कम। नॉट एट ऑल, मैं दरबार में नहीं गई हूँ आज तक दरबार में नहीं गई हूँ। हम कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं, खुश होकर घर जाते हैं, तो मैजिक पे बिलीव की बात नहीं है। लेकिन धाम पे पर्सनली आपके लिए नहीं, आप जो बागेश्वर धाम के डिबोटी हैं उनके पीपल आर अलग अलग लोग होते हैं, उनकी विचारधारा अलग होता है। जो मैं मुझे पता है वो मैं इनको देती हूँ चीज़ें। दरबार उनको चमत्कार चाहिए, बट मुझे हमें ये पता है जो हमें दिया है और जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ही। दरबार एक डिफरेंट चीज़ है, उनको एक बताने के लिए जो गरीब है, परेशान है, उनका सॉर्ट ही तो कर रहा है, कुछ खराब तो नहीं कर रहा है ना किसी का, बीमार लोग। मैम एक चीज़ और, बाबा जी बोलते हैं कि हिंदू ही हिंदू की बुराई करता है, सही बात है? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपने खुद देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि वो अभी भी लोग कहते हैं कि आप वहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या है, हिंदुइज्म के नाम पे ये सब करते हैं। अपने धर्म को नहीं मानोगे तो क्या है? जैसे दिल्ली से हैं आप, दिल्ली में बहुत फास्ट लाइफ है, लोगों का जो है कल्चर बहुत फास्ट है, पार्टी शार्टी, लेकिन आप बदलाव देख पा रही हैं दिल्ली में कुछ? दिल्ली में देखिए बदलाव होने वाला नहीं, बदलाव जो है वो ऐसा है कि अब आप कहीं भी जाते हो घर अपने आप से शुरू होती है, आप करते हो, उसके बाद अब आप देखते हो यूथ कर रहा है। मैं अपनी क्लास में देखती हूँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सनातन धर्म के टूवर्ड्स। पहले लोग जय श्री राम नहीं बोलते थे, अब देखो किसी को भी बोलो खुल के बोलेंगे, बिल्कुल प्राउड होता है उन्हें, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर। मतलब बाबा के आने के बाद ये बदलाव आया है? बिल्कुल आया है, बहुत लोग मन में हुआ करता था, अब ओपनली आया है। और होना लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो सीमा हैदर है, अभी नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। वो ये कह रही है कि मुझे भी बागेश्वर धाम जाना है और वहीं पे जाके शादी करना। शादी वादी इतना दिखावा नहीं करना चाहिए, उसको जो करना है अगर उसको आस्था है वहाँ पे वैसे ही साइलेंटली, आस्था पे कोई दिखावा करने से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं उसको ना। आपको वो पाकिस्तान से? हाँ पता है, बट उनका कुछ कुछ हिस्ट्री होगा, क्या क्या होगा जो बता रही है, जो हो रहा है वो सब एकदम से ना इनको टाइम लगता है समझने में, बाद में कुछ और निकल के आता है, तो इस समय पे छोड़ देना चाहिए। उनको बागेश्वर धाम आना चाहिए या नहीं? उनकी मर्जी है, उनकी खुद की आस्था है, जहाँ जाना है उन्हें जहीं भी जाए, हम ऐसे कोई है नहीं कि आप हिंदू बनो या फिर ये करो। उनके पास जाना है ऐसे बहुत चीज़ें हैं जहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर भी जाए, ऐसे बहुत सारे आस्था की चीज़ें, हमारी मंदिर है, बहुत सारे चीज़ें हैं बिलीव करते हैं, वहाँ जाना चाहिए। बागेश्वर धाम वो फेमस है गुरुजी, इसके लिए वहीं पे जाना है, तो